मेरे न्यूड फोटोज? हेलो, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी फोटोज? तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये फोटोज कहां से आई? कहीं से भी आई हो, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। फोटो तुम्हारी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास भेज दी। ठीक ये फोटोज मेरी है ही नहीं। है, तुम्हारी फोटो नहीं है ना, तो मैं ना तुम्हारे घर वालों को भेज देता हूं, शायद वो इन्हें पहचान ले। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। नहीं करूंगा, पर बदले में। बदले में? बदले में क्या? घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं मांगने वाला। बदले में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और जब ये फोटोज मेरी है ही नहीं, तो मैं तुम्हें पैसे दूं क्यों? ओके कूल, अगर तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो मैं तुम्हारे ये फोटोज तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जितने भी फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे रिश्तेदार हैं उन सबको भेज देता हूं, कैसा रहेगा? तो नहीं, देखो प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जैसा कह रहा हूं मैं वैसा कर दो, मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हेलो, देखो मैंने तुम्हें 90,000 रुपए भेज दिए हैं, अब प्लीज मेरी फोटो डिलीट कर दो। कर देंगे कर देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी क्या है? क्या मतलब? तुमने मुझे पैसे भेजने को कहा, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, अब प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे 1 लाख रुपए मांगे थे और तुमने भेजे 90,000 रुपए, तो अब तुम्हें फिर से मुझे 1 लाख रुपए भेजने होंगे, तब जाके तुम्हारे फोटोज डिलीट होंगे। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे तो सबसे पहले फोटोज जाएंगे तुम्हारे घर वालों के पास और उसके बाद इन्हें मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे पैसों के लिए कहा, मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दो। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना, वरना तुम अच्छी तरह जानते। काम क्या हो गया, कब से चुप बैठी हुई है? कुछ तो बताओ क्या बात है? वो संजू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख रुपए। 1 लाख करोगी क्या उनका? वो मुझे कुछ काम है। दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये तो बताओ क्या काम है? अरे मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे कुछ काम है, अगर दे सकते हो तो दो, बना रहने दो। काम गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले तो मुझे ये बताओ बात क्या है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ 1-2 दिन से, ना तो तुम मुझसे फोन पे बात कर रही हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बात बताओ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं है। देखो मुस्कान, मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे शेयर करोगी? बताओगी तभी सॉल्यूशन निकलेगा। बताओ क्या बात है? वो ये देखो, ये फोटो मुझे किसी लड़के ने सेंड की और मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा दूंगा फोटो, इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर बदनाम कर दूंगा, और पैसे भी मांग रहा है, इसीलिए परेशान हूँ। अरे ये फोटो इसके पास आई कहाँ से? मैं नहीं जानती ये फोटो कहाँ से आई उसके पास। तुम्हें पता है मैं उसे ऑलरेडी 90,000 रुपये दे चुकी हूँ, वो मुझसे 1 लाख रुपये और मांग रहा है, मैं क्या करूँ? पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ, तुमने कभी ऐसी पिक क्लिक की है या किसी से करवाई है? मैं ऐसी फोटो क्यों खिंचवाऊंगी यार, कौन खिंचवाता है? मतलब ये तुम्हारी फोटो नहीं है, समझ गया? क्या समझ गए? जिस नंबर से तुम्हें कॉल आ रही है उसको कॉल करना।
और क्यों? मिला के दो मुझे। हो गया पैसों का इंतजाम? पैसे तो हो जाएंगे, लेकिन तूने जो AI का यूज करके ये फोटो बनाई है ना, ये तूने बहुत गलत किया है। कौन? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तेरी कंप्लेंट हो गई है और तेरी लोकेशन भी मिल गई है, तो भाग ले कहाँ तक भागेगा? क्या बोला तुमने, AI? हाँ AI, ये फोटो इसने AI से बनाई हुई है। आप AI से किसी की भी फोटो वीडियो बना सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है, लोग AI का गलत फायदा उठा के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी की भी वीडियो फोटो बना के सोशल मीडिया पे डाल ले और उनसे पैसे मांग रहे हैं। इन्होंने सेलिब्रिटी तक नहीं छोड़ा। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता था ये तुम्हारी फोटो नहीं है, तुम गलत नहीं हो, तो तुमने उसे पैसे क्यों दिए? वो ये फोटो बिल्कुल रियल लग रही थी तो मैं डर गई थी। डर गई थी तो किसी से तो शेयर करोगी, कम से कम मुझे ही बता देती। मुझे लगा तुम भी मुझे गलत समझोगे। तो गलत समझो दोस्तों, जब से AI आया था तो लोग इसका बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। लड़कियों को, लड़कों को उनकी गंदी गंदी वीडियो बना के भेजते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। अगर आप गलत नहीं हो तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। और आगे ना हो तो ये अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजना, ताकि वो इस स्कैम से बच सके। और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।